तो ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ब्रेड लिया है। ये मैंने ब्रेड में जो फ्रंट पीसेस होते हैं और जो सबसे बैक में होते हैं वो यूज़ किए हैं। इसके बाद मैंने कुछ साइड्स यूज़ किए हैं, एक मेरे पास पीस वाइट ब्रेड का था वो भी मैंने इसमें यूज़ कर लिया है। अगर आपके पास ये साइड्स वगैरह ना हो तो आप फुल ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ताज़ी ब्रेड आती है आप उससे भी आराम से इसको बना सकते हैं। तो इसको पहले मैं सबसे पहले छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लूँगी। ये देखिए इस टाइप से इसको छोटे छोटे तोड़ लेंगे, क्योंकि फिर मिक्सर में ग्राइंड करना होता है इसको, तो ज़्यादा बड़े पीसेस होंगे तो वो अच्छे से ग्राइंड भी नहीं होते हैं। तो मैं इसको ऐसे तोड़ के और इसके बाद मैं इसको जार में डाल दूँगी, कि मैं अपना जार लेके और उसमें मैं ये ऐड कर दूँगी। थोड़े थोड़े करके डालें और उनको बहुत ज़्यादा बारीक ना पीसें। ये देखिए ये अब मैंने इसको पीस लिया, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, ठीक ठीक पीसा है। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और सेम इसी तरीके से जो बाकी के ये ब्रेड है उसको भी सेम ऐसे ही पीस लूँगी। ये देखिए ये मैंने सारे ब्रेड को पीस लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम गैस ऑन करके उसके ऊपर एक पैन रखेंगे। पैन रखने के बाद इसमें हम जो ब्रेड क्रम्स हमने रखे थे उनको हम ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद इसको हम इस तरीके से थोड़ा मिक्स कर लेंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम में हमें रखना है, कम से कम 15 से 20 मिनट। इसको ऐसे हिलाते रहिएगा ताकि ये नीचे से जले ना। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, इसका कलर भी चेंज हो चुका है, ये थोड़ा ब्राउनिश में आ गया हुआ है और ये अच्छे से हो गए, क्रिस्पी भी हो गए ये देखिए। तो अब मैं इसको निकाल के एक जार में बंद करके रख लूँगी। आप इसको कम से कम भी हफ्ता तो फ्रिज में स्टोर करके रख ही सकते हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।